जीवों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं। सूरज सतेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सतेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए, सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्टार्टिंग अकाउंट्स क्लास, वी आर स्टार्टिंग बिजनेस स्टडीज क्लास, लेकिन आज हम लोग इकोनॉमिक्स क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, पहला चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट सवाल ये है कि पहला चैप्टर का नाम क्या है। तो मैंने आपको ऑलरेडी पीडीएफ भेज दिया था, आपको कॉपी में लिखने का दरकार नहीं है, क्योंकि इसका पूरा प्रॉपर स्टडी मटेरियल कोचिंग में रेडी हो जाएगा, आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, पहला चैप्टर का नाम है डेफिनेशन एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। पहला जो चैप्टर हम लोग का है उसका नाम है डेफिनेशन एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब इसमें हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं वो पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स क्या होता है वो पढ़ेंगे, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। एक मार्क्स का एक चैप्टर है, मतलब एग्जाम जब आप देने के लिए जाओगे बोर्ड में क्लास 11 का, तो आपको एक मार्क्स का क्वेश्चन चैप्टर से आएगा। तो इसमें सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव लाइन, आपको बस एक स्टेटमेंट पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स होता क्या है उससे। देखिए, इकोनॉमिक्स क्या होता है आप सब भूल जाओ, मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूं। सपोज आपने क्लास 10 का एग्जाम पास किया और मम्मी ने आपको 500 रुपया दिया और मम्मी ने कहा कि बेटा जाओ जी लो अपनी जिंदगी, 500 रुपया लेकर के आप जिंदगी जीने के लिए निकल पड़े। 500 रुपया मम्मी ने आपको दे दिया और बोला कि जाओ बेटा जी लो अपनी जिंदगी, ये 500 रुपया लेकर के आप जिंदगी जीने के लिए निकल पड़े। जब ये 500 रुपया लेकर के आप बाहर निकले घर से, तो आपके मन में बहुत सारे ख्याल आ गए। क्या ख्याल आ गए? आपने सोचा कि मैं इस 500 रुपये का अपने फ्रेंड्स को ट्रीट दे दूंगा। फिर आपने सोचा मैं इस 500 रुपये का बिरयानी खा लूंगा, खुद खा लूंगा, किसी को ट्रीट नहीं दूंगा। फिर आपके मन में आया कि नहीं 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 मैं ड्रेस ले लूंगा। फिर आपके मन में आया चौथा ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन में एग्जांपल देता हूं। फिर आपके मन में आया कि नहीं नहीं बाबा, मेरा जियो का रिचार्ज खत्म होने वाला है, हम जियो का रिचार्ज करवा लेते फिर आपके मन में कह रहा है कि नहीं 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 बुक खरीद लेते, क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का बुक खरीद लेते हैं। देखिए, ऐसे ना जाने कितने सारे ख्याल, ना जाने कितने सारे सोच आपके दिमाग में आ जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अच्छा एक बात बताइए, 500 रुपया आपके पास था एंड आपके मन में बहुत सारे ऑप्शन थे, आपके मन में बहुत सारे वांट्स थे, आप बहुत सारा काम करना चाहते थे। आप क्या सोचते हो कि मैं दोस्तों को ट्रीट दे दूंगा, आप सोचते हो मैं बिरयानी खा लूंगा, आप सोचते हो मैं ड्रेस ले लूंगा, आप सोचते हो मैं रिचार्ज करवा लूंगा, फिर आप सोचते हो मैं बुक भी खरीद लूंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इस 500 रुपये में आप क्या अपने सारे जरूरतों को फुलफिल कर सकते हो? आप मुझे बताओ, क्या इस 500 रुपये में आप अपने सारे जरूरतों को फुलफिल कर सकते हो? प्लीज बताइए। माय डियर स्टूडेंट्स, 500 रुपया में आप अपने सारे जरूरतों को फुलफिल नहीं कर सकते। यू कैन नॉट फुलफिल ऑल योर डिजायर्स विद द 500 रुपीस दैट यू हैव। तो अब आप क्या करेंगे? आपको ट्रीट देने का भी मन है, आपको बिरयानी खाने का भी मन है, आपको ड्रेस लेने का भी मन है, आपको रिचार्ज करवाने का मन भी है, आपको बुक खरीदने का भी मन है, लेकिन अपने सारी इच्छाओं को, अपने सारे डिजायर्स को क्या आप फुलफिल कर सकते हो? कैन यू फुलफिल योर ऑल डिजायर्स? कैन यू फुलफिल योर ऑल नीड्स? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि मम्मी 500 रुपया ही ना दी है सर, मम्मी तो 500 रुपया ही दिए। अब 500 रुपया में पूरा दुनिया जीत लेंगे क्या? 500 रुपया में कपड़ा भी खरीद लेंगे, ट्रीट भी दे देंगे, बिरयानी भी खा लेंगे, रिचार्ज भी करवा लेंगे, बुक भी ले लेंगे। गांव में रहते हो क्या? और अब तो गांव में भी नहीं होता। माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज नॉट पॉसिबल टू सेटिस्फाई ऑल योर वांट्स विद दिस 500 रुपीस। उस 500 रुपये से आप अपने सारी जरूरतों को फुलफिल नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स में कहा गया है कि ये जो 500 रुपया है ना, इसको बोलते हैं रिसोर्स। क्या बोलते हैं बाबू? रिसोर्स। आपके पास रिसोर्स क्या था? लिमिटेड रिसोर्स, मतलब कोई भी कंट्री में बहुत सारी चीज होते हैं, उन चीजों को रिसोर्स बोलते हैं। तो बोला है
आपके पास रिसोर्स क्या था? लिमिटेड. हैव मम्मी गिवन मी 5 लाख रुपीज, अब अपने सारे जरूरतों को पूरी कर लेते. बट मम्मी ने आपको कितना दिया? सिर्फ 500. तो आपके पास रिसोर्स क्या था? लिमिटेड. लेकिन आपके जो वॉन्ट्स थे, बहुत सारे वॉन्ट्स थे. तो माय डियर स्टूडेंट्स, इंसान का पास रिसोर्स लिमिटेड है और इंसान के वॉन्ट्स जो है वो अनलिमिटेड है. पहला लाइन यही आपको मैं बता रहा हूं, इकोनॉमिक्स यू विल स्टडी. पहला लाइन आपको यही बता रहा हूं कि वी ह्यूमन बीइंग हैव लिमिटेड रिसोर्स बट अनलिमिटेड वॉन्ट्स. हम इंसानों के पास रिसोर्स कम है बट हमारी इच्छाएं बहुत सारी है. और पता है आपको, इंसान मर जाता है बट उसके डिजायर्स कभी खत्म नहीं होते. एक डिजायर खत्म, दूसरा डिजायर आएगा, दूसरा डिजायर खत्म, तीसरा डिजायर आएगा, तीसरा डिजायर खत्म, चौथा डिजायर आएगा, एंड सो ऑन. माय डियर स्टूडेंट्स, वी ह्यूमन बीइंग डाई बट आवर वॉन्ट्स नेवर. हम इंसान मर जाते हैं बट हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती. तो इकोनॉमिक्स कहता है कि लिमिटेड रिसोर्स एंड अनलिमिटेड वॉन्ट्स. आपसे पूछेगा एमसीक्यू क्वेश्चन में कि रिसोर्स आर, रिसोर्स क्या होते हैं? तो आप बोलोगे लिमिटेड. और वॉन्ट्स क्या होते हैं? अनलिमिटेड. तो माय डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ स्टडी. इकोनॉमिक्स स्टडी का वो ब्रांच है जहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा हाउ टू फुलफिल, हाउ टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वॉन्ट्स विद लिमिटेड रिसोर्स. आपके पास जितना रिसोर्स है उस रिसोर्स से आपके जो अनलिमिटेड वॉन्ट्स है उसको आप कैसे फुलफिल करोगे, किस तरह से फुलफिल करोगे, ये आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाने का कोशिश करेगा, इकोनॉमिक्स आपको समझाएगा. तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर हम लोग पढ़ते हैं हाउ टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वॉन्ट्स. कैसा वॉन्ट्स बाबू? अनलिमिटेड वॉन्ट्स विद लिमिटेड रिसोर्स. क्यों? क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है, वॉन्ट्स अनलिमिटेड है. रिसोर्स लिमिटेड है, वॉन्ट्स अनलिमिटेड है. एक बार फिर से बोलता हूं, रिसोर्स लिमिटेड है, वॉन्ट्स अनलिमिटेड है. तो कैसे आप लिमिटेड रिसोर्स को यूज करके अनलिमिटेड वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करोगे? क्यों? क्योंकि रिसोर्स 500 रुपया था आपके पास, आपकी इच्छाएं बहुत सारी थी. और पता है आप कौन सा पर्पस में आप पैसा को स्पेंड करोगे? आप उस पर्पस में पैसा को स्पेंड करोगे जो आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगा, जिससे आपको सबसे ज्यादा खुशी होता है. अगर सपोज आपके पास 500 रुपया है बट इतने आपके वॉन्ट्स हैं, इसमें से आप अपने पैसे को उस जगह पे खर्च करना पसंद करोगे जहां से आपको सबसे ज्यादा खुशी होगा. सपोज आपको सबसे ज्यादा खुशी फ्रेंड्स को ट्रीट देकर के होगा, वैसे तो होता नहीं है बट मान लीजिए, तो आप पैसे को उसमें यूज करोगे. तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपको मैं ये पढ़ाऊंगा हाउ टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वॉन्ट्स विद लिमिटेड रिसोर्स. बिजनेस में रिसोर्स क्या होते हैं बाबू? लिमिटेड. बट इंसान की इच्छाएं क्या होती है? अनलिमिटेड. तो लिमिटेड रिसोर्स से अनलिमिटेड वॉन्ट्स को कैसे आप सेटिस्फाई करोगे, ये आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाएगा. तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है. इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ स्टडी व्हिच टीचर्स हाउ टू यूज लिमिटेड रिसोर्स टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वॉन्ट्स. माय डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, एमसीक्यू में, एग्जाम में बहुत बार आया है कि बताइए रिसोर्स क्या है. तो रिसोर्स लिमिटेड है. सर रिसोर्स मतलब पैसा बोलिए, सामान बोलिए, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, पैसा वैसा सब कुछ बोलिए, जो भी बोलिए, ये सारा चीज को रिसोर्स बोलते हैं इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में. तो माय डियर स्टूडेंट्स, रिसोर्स आर लिमिटेड बट आवर वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. तो इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाएगा हाउ टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वॉन्ट्स विद द लिमिटेड रिसोर्स. आपके जो अनलिमिटेड वॉन्ट्स है उसको आप कैसे फुलफिल करोगे, किस तरह से फुलफिल करोगे, उस रिसोर्स से जो आपके पास है. क्योंकि आपके पास रिसोर्स क्या है? लिमिटेड. और आपके वॉन्ट्स क्या है? अनलिमिटेड. तो हाउ टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वॉन्ट्स विद लिमिटेड रिसोर्स, दैट विल बी टॉट अंडर द इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि कैसे आप अनलिमिटेड वॉन्ट्स को लिमिटेड रिसोर्स से सेटिस्फाई करेंगे. एक मार्क्स में एग्जाम में पूछता है ना, डिफाइन इकोनॉमिक्स, तो ये वाला आप लिख देना. अगला सवाल है कि भैया इकोनॉमिक्स को किसने लिखा था? हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है. हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ. एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का पिताजी कहा जाता है. सर एडम स्मिथ का फोटो दिखाइए, मैं आपको स्क्रीन पर एडम स्मिथ का फोटो लगा के दिखाता हूं, ठीक है? एडम स्मिथ इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का पिताजी माना जाता है, ठीक है बच्चों? और एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स का बुक 1776, ये याद रखिए क्योंकि एमसीक्यू पेपर है, मतलब ये चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा. तो 1776 में एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स का बुक लिखा था. किसी को बोलिएगा मत, एडम स्मिथ ने 1776 में इकोनॉमिक्स का बुक लिखा था. बुक का नाम था, बहुत बड़ा नाम था, पढ़ के सुनाते हैं, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. देखिए क्या लिखा हुआ. एडम स्मिथ इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. एडम स्मिथ रोट द बुक
An inquiry into the nature and cause of wealth of nation in the year 1776. तो यहाँ पे चार बात मैंने आपको पढ़ा है. इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स आपको सिखाएगा कि कैसे आप अपने अनलिमिटेड बॉन्ड्स को लिमिटेड रिसोर्स से सेटिस्फाई करेंगे. दूसरा बात इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाएगा कि रिसोर्स लिमिटेड होते हैं और बॉन्ड्स अनलिमिटेड होते हैं. ये लाइन आपको याद रखना है, कुछ आने वाले चैप्टर्स में यूज होगा. उसके बाद आपको ये याद रखना है कि इकोनॉमिक्स के पिताजी है एडम स्मिथ. उसके बाद आपको ये याद रखना है कि इकोनॉमिक्स का बुक उन्होंने सबसे पहले 1776 में ही रोट द बुक्स ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच इज नोन एज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. इतना बड़ा सा नाम है, इसलिए लोग प्यार से बोलते हैं एडम स्मिथ के बुक का नाम वेल्थ ऑफ नेशन. आपसे पूछेगा कि एडम स्मिथ के बुक का नाम बोलिए, ये तो पूरा बोल सकते हो अगर आपको पूरा याद है तो, और अगर पूरा याद नहीं है तो आप शॉर्ट में बोलेंगे वेल्थ ऑफ नेशन. आज क्लास खत्म होने के बाद मैं ओरल टेस्ट लूंगा 7:25 8:15 जैसे इंडिया में सारा लैंग्वेज संस्कृत से आया है, वैसे ग्रीक लेटर से आया है. और ग्रीक वर्ड कौन सा है, ग्रीक वर्ड है ओइकोनोमिया. ग्रीक वर्ड क्या बाबू, ओइकोनोमिया. ओइकोनोमिया इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड. इकोनॉमिक्स में आप ये भी पढ़ोगे कि हाउ टू मैनेज द फैमिली, कैसे आप किसी फैमिली को मैनेज करोगे, कैसे आप सोसाइटी को मैनेज करोगे, आपके पास जितना रिसोर्स है उसको यूज करके कैसे आप सारे लोगों की जरूरतों को पूरा कर दोगे. बस फिर कैसे आप सारे लोगों की जरूरतों को पूरा कर देंगे, मतलब आप सपोज आपके पास 5 प्लेट बिरयानी है और 50 लोग अगर आपके सामने बैठे हुए, तो कैसे आप उस 5 प्लेट बिरयानी को बांटोगे जिससे 50 लोग खुश होकर के चले गए. दैट विल बी टॉट इन द इकोनॉमिक्स. ये चीज आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाएगा. इकोनॉमिक्स आपको बताता है कि रिसोर्स लिमिटेड है, वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, तो आप हाउस होल्ड को मैनेज कैसे करेंगे, आप फैमिली को मैनेज कैसे करेंगे, आप घर को मैनेज कैसे करेंगे, आप बिजनेस को मैनेज कैसे करेंगे. ये है इकोनॉमिक्स का एग्जैक्ट मीनिंग. तो माय डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स वर्ड ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से आया है, विच का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउसहोल्ड. पूछता है एग्जाम में, द वर्ड ओइकोनोमिया मींस मैनेजमेंट ऑफ हाउसहोल्ड. अगला टॉपिक प्रोडक्शन क्या होता है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउसहोल्ड को चलाने के लिए, फैमिली हो, घर हो, या किसी को भी चलाने के लिए, सोसाइटी को चलाने के लिए आपको बहुत सारे चीज बनाने पड़ते हैं. उसको इकोनॉमिक्स में बोलते हैं प्रोडक्शन. प्रोडक्शन का मतलब क्या है, तो प्रोडक्शन मींस टू क्रिएट समथिंग. प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी चीज को बनाना. प्रोडक्शन का सिंपल मीनिंग होता है किसी चीज को बनाना. बट इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में प्रोडक्शन का मतलब होता है, प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में प्रोडक्शन का मतलब होता है जब आप इनपुट से आउटपुट बनाते हैं. अब आप पूछेंगे कि भैया इनपुट का मतलब क्या है, बताइए ना. बताते हैं, जब आप इनपुट से आउटपुट बनाना सीखते हो इसको हम लोग प्रोडक्शन बोलते हैं. पर सवाल यह है कि भैया इनपुट क्या होता है. अरे भाई, इनपुट मतलब हर वो चीज जो किसी चीज को बनाने के लिए चाहिए. जैसे कि पूरी समझते हैं, पूरी, पूरी बनाने के लिए क्या चाहिए, मैदा. तो मैदा हो गया इनपुट और पूरी हो गया आउटपुट. समझ लेना, मैं जो चीज आपको सामान बनाने के लिए चाहिए दैट इज इनपुट. जो आप बनाते हो उसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में. जैसे ये आपको टूल दिख रहा ना, ये टूल किससे बना हुआ, प्लास्टिक से. तो प्लास्टिक को बोलेंगे इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में इनपुट, और इसको क्या बोलेंगे, ये जो टूल आप देख रहे हो इसको क्या बोलेंगे आपको, आउटपुट. समझ लेना बाबू. सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन क्या है. प्रोडक्शन इज द प्रोसेस है जहां पे हम लोग इनपुट से आउटपुट बनाना सीखेंगे. भैया इनपुट मतलब हर वो चीज जो किसी सामान को बनाने के लिए चाहिए. भैया आउटपुट मतलब हर वो चीज जो आप बनाते हैं, जो बन गया है, जो आप देख रहे हो वही तो आउटपुट है दोस्त. जैसे मैंने आपको टूल दिखाया, टूल प्लास्टिक से बना होगा, उस प्लास्टिक को बोलेंगे इनपुट और टूल को बोलेंगे आउटपुट लोकल लैंग्वेज में. सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन क्या है. प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट. प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आप इनपुट से आउटपुट बनाना सीखते हो. इनपुट मतलब रॉ मटेरियल, आउटपुट मतलब फिनिश गुड्स. अब सवाल यह कि भैया इनपुट मतलब क्या. 12 में यह टॉपिक आप डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर आपको यह पढ़ना है कि इनपुट मतलब हर वो चीज जो किसी सामान को बनाने के लिए चाहिए. और इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में किसी भी सामान को बनाने के लिए
चार चीज चाहिए, कितना चाहिए बाबू, चार चीज चाहिए। एग्जाम पूछेगा हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर देयर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इनपुट मतलब किसी भी सामान को बनाने के लिए जो भी चीज चाहिए उसको हम इनपुट बोलते हैं या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। देखिए नोट्स में क्या लिखा हुआ है, इनपुट रेफर्स टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में इनपुट मतलब हर वो चीज जो प्रोडक्शन के लिए चाहिए, और इकोनॉमिक्स में चार चीज होता है। इकोनॉमिक्स के हिसाब से किसी भी सामान को बनाने के लिए चार चीज चाहिए, कितना चाहिए बाबू, चार चीज। वो चार चीज क्या क्या है, वो चार चीज है लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जहां पे हम लोग इनपुट से आउटपुट बनाते हैं। मतलब जब मैदा से आप पूड़ी बना रहे मतलब प्रोडक्शन कर रहे, प्लास्टिक से जब चेयर बना रहे मतलब प्रोडक्शन कर रहे, लकड़ी से जब आप फर्नीचर बना रहे हो मतलब प्रोडक्शन कर रहे। और प्रोडक्शन का लिए जो भी चीज चाहिए उसको बोलते हैं इनपुट और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और इकोनॉमिक्स के हिसाब से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चार होते हैं, कितने होते हैं बाबू, चार, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। अब आप पूछेंगे कि भैया लैंड मतलब जमीन, लोकल लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में इसका भी अपना एक मीनिंग है इकोनॉमिक्स में, बट अभी आप लोग 11 में आपको सिर्फ इसका मीनिंग जानना है कि लैंड मतलब जमीन। लेबर वर्कर्स चाहिए, कैपिटल पैसा चाहिए, अकाउंट्स में पढ़ाए थे, और ऑर्गेनाइजेशन मतलब मैनेजमेंट, बिजनेस को चलाने के लिए जो लोग होते हैं उसको मैनेजमेंट बोलते हैं लोग, सिंपल लैंग्वेज में समझिए। तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चार होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर से सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आता है एक मार्क्स का। तो आपसे पूछेगा डिफाइन इकोनॉमिक्स, हु रोट द बुक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फिर आपसे पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर देयर, राइट डाउन द नेम ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इस चैप्टर से इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, इस चैप्टर में एक टॉपिक और भी है, वो है बाबू पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो मैं आपको चैप्टर 2 के साथ पढ़ाता हूं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोल के टॉपिक है इस चैप्टर में, इसी चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में ही है, ठीक है। लेकिन उस टॉपिक को हम लोग चैप्टर 2 के साथ, हम लोग जो आपको कोचिंग का नोट्स देंगे वो चैप्टर 2 में आपको मिलेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, चैप्टर 1 हम लोग का कंप्लीट हो गया। चैप्टर 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और यही सब क्वेश्चन पूछेगा, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं, इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है, पूरे उल्टा एक बुक ऑफ इकोनॉमिक्स, यही सारा टॉपिक है। तो चैप्टर 1 को यहां पर हम लोग ड्रॉप करते हैं। इसमें एक टॉपिक है पीपीसी, दैट वी विल स्टडी विद चैप्टर 2, ठीक है। मेरा चैप्टर 2 का जो नोट्स आपको देंगे उसमें पीपीसी मिल जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। क्लास करने के बाद आप मुझे यस मैसेज करेंगे, कोई अगर डाउट होगा तो आप प्रॉपर्ली पूछेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो तुरंत पूछेंगे, एंड एट द सेम टाइम, ठीक है, 8:15 में आप रेडी रहिएगा, मैं ओरल क्वेश्चन पूछूंगा मैसेज में, ठीक है। थैंक यू सो मच।